डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग कक्षा 7 की रेखा गणित पढ़ रहे हैं, यानी लेसन 5 था रेखा एवं कोण। एक एक्सरसाइज हमने काम किया, देखने में थोड़ी सी एक्सरसाइज बड़ी हो गई है, ज़रूर चेक करिएगा। और अब हमारे पास दूसरी और आखिरी एक्सरसाइज है। इस लेसन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज दी गई, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। ये थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दें। एक्सरसाइज 5.2 है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। देखो, वर्णन करना है, तो चलिए लिखा है, यदि ए पैरेलल बी है तो कोण 1 = 5। कौन सी आकृति? 5.33। पहले तो एक आकृति बना देते हैं, आकृति बना देंगे तो आपके लिए देखना समझना आसान हो जाएगा। एक ऐसे है और एक ऐसे है। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, ये कोण के नाम है। ये 5, 6, 7, 8 हो गया है, और इस रेखा का नाम ए, इस रेखा का नाम बी है। अब पहला सवाल है, वो कह रहा है कि यदि ए पैरेलल बी हो, ए और बी दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हो, तो कह रहे कोण 1 = 5। कोण 1 = कोण 5 हो सकता है? कोण 1 और 5 बराबर हो सकता है? जी हाँ, बराबर हो सकता है। अगर ये पैरेलल हुआ तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण में आ जाएंगे। यहाँ आपको संगत कोण खाली लिख देना है और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल हुआ है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि यदि कोण 4 = कोण 6 है तो ए पैरेलल बी माना जा सकता है। कोण 4 ये है और कोण 6 ये है, बिल्कुल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं। अगर 4 और 6 बराबर हैं तो निश्चित रूप से ए और बी पैरेलल होंगे। इसमें कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल हुआ, उसको कहेंगे एकांतर कोण। एकांतर है इसलिए बराबर होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो निश्चित रूप से ये बराबर हो जाएंगे। और तीसरा इसमें पूछा गया है कि यदि कोण 4 + 5 = 180 डिग्री, कोण 4 + कोण 5 = 180 डिग्री है तो ए पैरेलल बी है। देखो, चलो देखते हैं कोण 4 और 5। जी हाँ, आंतरिक कोण युग्म देख लीजिए, कोण 4 और कोण 5 अगर बराबर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों लाइन बराबर हो जाएंगी। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक कोण युग्म या रैखिक युग्म भी हो जाता है, ये बाद में नाम डाल देते हैं, क्योंकि मिलकर 180 डिग्री बन जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन में फिर एक आकृति बनाई गई है। देखो, मैं वो आकृति बनाता हूँ, उस आकृति को पहचानिए और समझिए। यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पे नाम है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे है 5, 6, 7, 8, और इसका नाम रेखा सी है और ये है ए है और ये बी है। अब इस पर आधारित सवाल आपको बताना है, तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला कोण क्या पूछा गया है? संगत कोण युग्म पूछा गया है। संगत कोण इसमें कौन कौन है, तो हम लोग बात कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो आप देखो कि कोण 1 और 5 ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो कोण 1 और कोण 5 ये दोनों रैखिक युग्म हो गए, बल्कि 1, 5 लिखें, देखने में दिक्कत हो रही है, 1 और 5 हो गया। ऐसे ही 2 और 6 हो गया, ऐसे ही 4 और 8 हो गया, और ऐसे ही 3 और 7 हो गया। ये सबको हम संगत कोण कहते हैं। दूसरा है प्रश्न इसमें पूछा गया कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म कौन है। अंतः एकांतर, अब एक नया शब्द आ गया, अंतः एकांतर। देखो, एकांतर दो तरह का हुआ। देखो, 3, 5 अंतः एकांतर है, 2, 8 अंतः एकांतर है, अब 1, 7 क्या है? बाह्य एकांतर, और 4, 6 क्या है? बाह्य एकांतर। तो हमसे अंतः एकांतर पूछा गया है, तो हम इसको लिख देंगे 2 और 8 और 3 और 5, ये अंतः एकांतर कोण युग्म कहे जाते हैं। और तीसरा है कि यदि त्रियक
छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म को क्या कहते हैं? देखो, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का युग्म 2 और 5 है, 2 और 5, और दूसरा इधर बन रहा है 3 और 8। आप जानते होंगे ये दोनों मिल करके 180 डिग्री ही बनते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ दो तब भी 180, इन दोनों को जोड़ दो तब भी 180। इसके साथ आपको कोण जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे भैया 3 और 8 मिलकर 180 कहाँ से बन रहा है ना। ये मर्यादा है थोड़ी सी, लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। और चौथा पूछा गया है शीर्षाभिमुख इसमें कौन है? शीर्षाभिमुख पूछा गया है, देखो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, 4 और 2 शीर्षाभिमुख है, 5 और 7 शीर्षाभिमुख है, और 6 और 8 शीर्षाभिमुख है। देख रहे हो, ये सब के सब शीर्षाभिमुख कोण है और आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़े, 2 प्रश्न आपके हो गए हैं, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी तो बहुत आसानी से आप जल्दी जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में पी पैरेलल क्यू है तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। देखो, तीसरे प्रश्न में एक चित्र बनाया गया है ऐसे, और एक तिरछी रेखा ऐसे काटी गई है। इसको अगर हम देखें तो ये ई है, ये एफ है, ये 125 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इन्होंने कहा ये रेखा का नाम पी है, इस रेखा का नाम क्यू है, और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो अज्ञात कोण ज्ञात करिए। देखो, अज्ञात बहुत आसानी से मिल सकता है, 125 और ई जोड़ दिया जाए तो सीधी रेखा बन जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई प्लस 125 बराबर 180, तो ई का मान हमको ज्ञात हो गया, 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। और अगर ई 55 डिग्री आ गया तो एफ भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आपस में शीर्षाभिमुख। अब जब को सवाल उठता है कि कोण ई जितना होगा उतना ही कोण ए होगा, क्योंकि संगत कोण है। देखो, कोण ई बराबर कोण ए, क्योंकि संगत कोण है, तो ये भी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। ऐसे ही जब कोण ए बराबर जितना होगा उतना ही सी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर सी बराबर ये भी 55 डिग्री। अब चलो डी के बारे में सोचते हैं, डी कितना होगा? अगर ये 125 है तो डी भी 125 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण है इसलिए बराबर होगा। और यहाँ पर देखो कि जितना कोण कौन होगा, इस कोण के डी जितना होगा उतना ये भी होगा। भाई डी बराबर 125 है तो बी बराबर भी 125 हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो अब हमको सबकी जानकारी मिल चुकी है, ए की वैल्यू क्या आई है 55 डिग्री, बी की वैल्यू क्या आई है 125 डिग्री, सी की वैल्यू क्या आई है 55 डिग्री, डी की वैल्यू क्या आई है 125 डिग्री, ई की वैल्यू क्या आई है 55 डिग्री, और एफ की वैल्यू क्या आई है 55 डिग्री। हम लोगों ने सब के मान निकाल लिए। अगर हमको केवल एक प्रॉपर्टी याद होती है तो उस प्रॉपर्टी के माध्यम से इतना बड़ा सवाल आराम से हल किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तीसरा सवाल आपका हो गया है, चौथा में चित्र बना हुआ है। अब इसमें देखो रेखा गणित है तो चित्र ही होगा। इसमें पहला चित्र जो इसका है वो तो ऐसे बना हुआ है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको काटा गया है, ये 110 है, इसका नाम है टी रेखा है, मान लो ये यल है और ये यम है। इसको पूछा गया है यक्स, क्या बता सकते हैं आप? एकदम बता सकते हैं। कैसे? अगर 110 है तो ये कितना होना चाहिए बताओ, 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 होगा, और ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। आप लिख सकते हो यक्स बराबर 70 डिग्री, एकदम आसानी से। और दूसरा चित्र देखते हैं, दूसरे चित्र में है दो पैरेलल लाइन खींचा गया है, और यहाँ भी दो पैरेलल लाइन खींचा गया, ये भी है एल एम, ये भी पैरेलल है, और ये ए भी है, ये भी पैरेलल है। यहाँ पर 100 डिग्री दिया गया है, फिर कहा गया है इस यक्स का मान बता दो, और यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है, बस हमको एक्स का मान बताना। अच्छा बताइए आप कि अगर 100 है तो डायरेक्ट 100 होगा, संगत कोण हो गया ना, यक्स और 100 मिलकर संगत कोण होते हैं। यक्स बराबर आराम से आप 100 डिग्री लिख सकते हो, यहाँ पे संगत कोण होगा और बराबर होता है। कितने आसानी से आप यक्स का मान ज्ञात कर लेगा।
बनाया चित्र इतना बड़ा, लगाना कुछ नहीं पड़ा, इसलिए कि हमको प्रॉपर्टी याद थी। आगे बढ़े, पांचवा प्रश्न इसमें दिया गया है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं और कोण एबीसी बराबर 70 डिग्री है। और देखते हैं, ये दो कोण बनाया गया है ऐसे और फिर ऐसे, ये 70 डिग्री, इसमें दोनों कोणों की भुजाएं समांतर है, मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। पूछा क्या गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम पहले ए बी सी डी में लिख दिया जाए, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी ई एफ, डी ई एफ एफ। सवाल पहला है कि कोण ए जी डी जी सी बताओ, कोण डी जी सी बताओ, हैं जी कहाँ है भाई, अच्छा ये जो काट रहा है जी, तो डी जी सी कितना होगा भाई, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण ये कोण बराबर हो जाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, आप आराम से 70 डिग्री कह सकते हैं, ये संगत कोण हो जाएंगे ना। दूसरा पूछा गया है, दूसरा में कोण डी ई एफ बताओ, डी ई एफ बताओ, तो डी ई एफ बताओ, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये भी संगत कोण आ जाएगा, बराबर होगा। आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी से सारे सवाल हल होते जा रहे हैं, पांचवा सवाल आपका खत्म हो गया। आइए देखते हैं छठा क्या दिया, इसमें भी चित्र ही दिया गया, देखो पहला चित्र है, दो पैरेलल लाइन है, उसको तिरछी रेखा काट रही है, ये 126 दिया गया है और ये 44 दिया गया है। क्या पूछा गया, क्या एल एम के समांतर है, अच्छा ये पूछा गया क्या एल एम समांतर है, देखो अगर ये दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री बन जाएगा तब इसे हम समांतर कह सकते हैं। और जोड़ा जाए, 126 प्लस 44 जोड़ते हैं, 6 4 10 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1, नहीं नहीं समांतर, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर हमेशा 180 आना चाहिए, ये आपको एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए। देखो दूसरा चित्र है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ये 75 डिग्री है और ये भी 75 डिग्री है। अब बताइए क्या ये दोनों कोण, ये दोनों रेखाएं यल एम समांतर है, नहीं समांतर है, क्योंकि ये 75 चाहिए तो कन्फर्म 75 होना चाहिए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण प्रत्येक दशम बराबर होते हैं, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ने पर 75 प्लस 75 जोड़ने पर, देख लो 75 प्लस 75 जोड़ने पर 150 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे कि नहीं ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं और ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है, इतनी सी बात पर ख़त्म हो जाती है। अब हमने क्या चर्चा किया इसको हम ऐसे पढ़ देते हैं जिससे कुछ प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, आपको पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या चर्चा किया, एक रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड ध्यान रखिएगा कि रेखाखंड के सदैव दो अंत बिंदु होते हैं, लेकिन रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। दूसरा, एक किरण का केवल एक अंत बिंदु होता है जो इसका शीर्ष कहलाता है। जी हाँ, मैं अगर चित्र भी बनाते चलूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो पहला पॉइंट था कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, देखो ये रेखा है और अगर इसको हम काटते हैं, इसका नाम ए और इसको बी रखते हैं, तो ए का अंत बिंदु ये है, बी का अंत बिंदु ये है। दूसरा प्रश्न बोला है, इसमें कह रहा है कि एक रेखा किरण के केवल, देखो किरण इसको कहते हैं ये, तो किरण का एक अंत बिंदु होता है जो इसका शीर्ष कहलाता है, ठीक है। तीसरा है, एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता। जी हाँ, एक रेखा जब बनाते हो आप तो दोनों तरफ एरो बना होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक जो है ग्राफ बना के समझाया गया है कि एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण अथवा रेखाखंड एक दूसरे को मिलती हैं, तो दो पूरक कोण जो होते हैं उन मापों का योग 90 डिग्री होगा, तब मिला के दो पूरक कोण हो जाएंगे, बहुत सही। दो संपूरक कोण जब मापों का योग 180 डिग्री हो जाए, दो आसन्न कोण, एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है परंतु उनका कोई उभयनिष्ठ अंतस्थ नहीं होता। देखो उभयनिष्ठ कोण को एक बार फिर से समझ लो, ऐसे होता है, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने कॉमन, एक कॉमन साइड होनी चाहिए और कॉमन शीर्ष होना चाहिए, यानी वर्टिक्स होना चाहिए, तब इन दोनों कोणों को हम लोग क्या कह देंगे, उभयनिष्ठ यानी कि संगत कोण कह देंगे।
तीसरा है, लिखा है कि जब दो रेखाएं यल और एम एक दूसरे से मिलती हैं तो हम कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। मिलान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम कितना भी बढ़ाते जाएं आपस में नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं। देखो दो बातें कहा, अगर यहाँ पर काटते हैं तो इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं और इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और दूसरी बात ये बोला है कि अगर दो समांतर रेखाओं को हम कितना भी बढ़ाते चले जाएं ये कभी आपस में नहीं मिलती है। बड़े काम की चीज़ें हैं, ज़रूर याद रखिएगा, एक्सरसाइज के काम आने वाली हैं। अब देखो चौथे में लिखा गया है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं सामान्यतः अचर एक्स की भांति दिखाई देती हैं, यानी एक्स जैसा काटती है, ठीक है। तो हमें सम्मुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो ऐसे काटती हैं तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। बहुत सही। दूसरा पॉइंट बोला है कि दो अथवा अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे अगर हम दो तीन रेखाएं खींच दें और एक काट दें तो इस रेखा का नाम होता है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, या इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। और ठीक है, अगले आगे देखते हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा आरेख से विभिन्न प्रकार से कोण प्राप्त करती है। देखो यहाँ पर चित्र भी बना के दिखाया गया है, एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे काट रही है। तो देख लो, अगर एक तिर्यक रेखा काट देती तो ढेर सारे कोण बना देती है, और इन कोणों के गुणधर्म हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ कोणों के प्रकार है, अंतः कोण कौन कौन है, बाह्य कोण कौन कौन है, यह सब सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बहुत कायदे से पढ़िएगा और यह लेसन आपका समाप्त होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट को चैप्टर लेकर के बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए। थैंक यू।